हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो सिंगल आधार पर कनेक्शन बना हुआ है, आपने बनाया कनेक्शन दोस्तों, उसको कैसे सबमिट करते हैं। मान लीजिए किसी फैमिली में एक ही सदस्य है और परिवार आईडी में एक ही नाम है दोस्तों, उसको कैसे सबमिट करना है आपको, जिससे कि वो सिंगल जो लिस्ट है आपकी दोस्तों उससे बाहर चला जाए। इस प्रोसेस को आपको मैं पूरा करके दिखाऊंगा इस वीडियो में दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जब भी आप समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप आईडी पर आ जाना है दोस्तों, इसके बाद में आपको सर्च बॉक्स पर आना है दोस्तों। अब जिस किसी व्यक्ति का सिंगल आधार पर कनेक्शन बना हुआ है दोस्तों, उसकी रिलेशनशिप आईडी या कंज्यूमर नंबर डाल लेंगे दोस्तों। चलिए, मेरे पास उसकी रिलेशनशिप आईडी है, मैं रिलेशनशिप आईडी डाल के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको लास्ट नेम पर क्लिक करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनका जो सिंगल आधार पर कनेक्शन बना हुआ है और इस इनकी परिवार आईडी में कोई भी सदस्य नहीं है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है वो दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हाउस होल्ड मॉडिफाई करना है। चलिए मॉडिफाई करते हैं। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है हाउस होल्ड मॉडिफाई, ओके कर देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ दोस्तों, उसको आप प्रिंट कर लें। देखिए दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट है, इसको आपको लेटर अपने लेटर हेड पर प्रिंट करवाना है। ठीक है दोस्तों, इसको प्रिंट कर लें आप और उसको भर के परिवार आईडी संख्या, राशन कार्ड संख्या भरने के बाद में आवेदक का नाम, पति का नाम, निवास, और यहाँ पर अपनी सील साइन करना है दोस्तों, यहाँ पर डेट लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर महिला के साइन करवा लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको भरने के बाद में क्या करना है आपको, चलिए मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ कैसे क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले आपको यहाँ से प्लस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, प्लस करने के बाद में आपको आ जाना है POI पर, नहीं सॉरी दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है इंटरनेट और जिला पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर वाय सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, इसको लगा देना है आपको। यहाँ से राशन कार्ड संख्या डाल देंगे इनकी जो भी है दोस्तों, चलिए मैं डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लिक कर देंगे और इसके बाद में कर देंगे इनकी जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसको भर के अपलोड कर देते हैं PDF फाइल में। चलिए दोस्तों, मैंने बना रखा है, कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड अपलोड कर देंगे बारी बारी से। चलिए आधार कार्ड डाल देता हूँ मैं इसमें। अब 10 नंबर की कॉपी डाल देता हूँ दोस्तों मैं। अब यहाँ से राशन कार्ड की कॉपी डाल देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ नो चेंज कर देना है आपको दोस्तों। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सबमिट कर देंगे दोस्तों यहाँ से इसको। चलिए मैं सबमिट करके दिखाता हूँ आपको, सबमिट कर दिया है। देखिए दोस्तों, सक्सेस सक्सेस हो गया है अपना। और देखिए, न्यू वाला अभी जो अपन डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट लगाए थे दोस्तों, वो अभी न्यू में है, एक्टिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सर्विस रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड फॉर अप्रूवल। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ऐप स्टोर को भेज सकते हैं, जिससे कि ये अप्रूव हो जाए। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वीडियो और किसी भी तरह की हेल्प के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों।